Good morning, students. In today's video, I'll continue with some more paragraphs of chapter number 9, A Visit to Seewald. So, as you know, Nehal अपने पापा और अपने छोटे भाई रोहन के साथ Seewald चली गई है. और Nehal बहुत अच्छे से अपने छोटे भाई का ध्यान रख रही है और ये देखकर Nehal के फादर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं. Let's come to the next paragraph. Their first stop in Seewald was the Tropical Fish Aquarium. Tropical means वो place जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. And aquarium means एक box जो कि glass का बना होता है. तो Seewald में उनका first stop क्या था? Tropical Fish Aquarium. वो Tropical Fish Aquarium को देखने के लिए रुके. तो उस एक्वेरियम में ट्रॉपिकल एरिया की फिश थी. इट वॉज अ लार्ज रूम विद वॉल्स ऑफ ग्लास. और वो क्या था? एक बहुत बड़ा सा रूम था जिसकी वॉल्स ग्लास की बनी हुई थी. यू कुड सी मैनी वेराइटीज ऑफ फिश थ्रू द ग्लास वॉल. और ग्लास वॉल से आप फिश की डिफरेंट वैराइटीज़ को देख सकते थे. इट वॉज लाइक सीइंग अ मूवी मूविंग रेनबो. और जब कलरफुल फिश मूव कर रही थी तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रेनबो मूव कर रहा हो. देयर वर फिश ऑफ डिफरेंट कलर्स विद डेलिकेट फिन्स. डेलिकेट मीन्स वेरी लाइट एंड फाइन. एंड फिन्स जो होता है फिश को स्विमिंग करने में और उसकी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्पफुल होते हैं. एंड लॉन्ग टेल्स. तो वहाँ पर डिफरेंट कलर्स की फिश थी जिनके डेलिकेट फिन्स थे और लॉन्ग टेल्स थी. नाउ कम टू पेज नंबर 59. फिश विच मूव अराउंड इन ग्रुप्स आर कॉल्ड शोल्स. Nehal's फादर एक्सप्लेन्ड. अब Nehal के फादर ने एक्सप्लेन करा कि फिश जो एक साथ ग्रुप में घूमती हैं तो उनको शोल्स कहते हैं. द शोल्स वेंट एवरीवेयर टुगेदर. और जो शोल्स होती हैं फिश का ग्रुप होता है वो हर जगह एक साथ जाती हैं. देयर वर शोल्स ऑफ ब्लैक गोल्ड फिश टाइनी सिल्वर शार्क्स किसिंग गोरेमी रेड कैप्ड फिश एंड मैनी मैनी मो. तो वहाँ पर ब्लैक गोल्ड फिश के टाइनी सिल्वर शार्क्स किसिंग गोरेमी रेड कैप्ड फिश और बहुत अलग अलग तरीके के शोल्स थे. दीज फिश हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द येलो चाइना सी. और जो ये फिश थी उनको कहाँ से लाया गया था? येलो चाइना सी से. दे आर सो प्रिटी. Nehal एंड रोहन शाउटेड एज दे लुक्ड अराउंड एक्साइटेडली. Nehal और रोहन ने बहुत एक्साइटेड होके फिश को देखा. मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके फिश को देख रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे और वो दोनों शाउट कर रहे थे दे आर सो प्रिटी. किसको बोल रहे थे प्रिटी? फिश को. रनिंग फ्रॉम वन ग्लास वॉल टू अनदर टू सी एज मैनी फिश एज दे कुड. और वो एक ग्लास वॉल से दूसरी ग्लास वॉल पे जा रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिश देख सके. द चिल्ड्रन वेंट टू सी द पूल विद द सी स्नेक्स. और जो बच्चे थे वो एक पूल को देखने भी गए जहाँ पर सी स्नेक्स थे, समुद्र में रहने वाले स्नेक्स थे. द स्नेक्स वर लॉन्ग एंड शाइनी एंड स्वैम विद स्पीड फ्रॉम वन एंड ऑफ द पूल टू अनदर.
और जो स्नेक्स थे वो लॉन्ग थे और शाइन, उनकी बॉडी कैसी थी, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से पूल के एक एंड से दूसरे एंड पर स्विमिंग कर रहे थे, ग्लाइडिंग थ्रू द वाटर। ग्लाइडिंग मीन्स मूविंग क्विकली एंड क्वाइटली, जल्दी से और चुपचाप मूव करना। और वो बहुत जल्दी से और बिना शोर करे मूव कर रहे थे वाटर में। नेहल हेल्ड रोहन्स हैंड व्हेन शी सॉ हिम गेटिंग स्केयर्ड। अब जब नेहल ने देखा कि रोहन को डर लग रहा है तो उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स धीरे से बोलना, आई डोंट लाइक द स्नेक्स नेहल दीदी, प्लीज़ लेट अस लीव। तो रोहन ने धीरे से कहा कि नेहल दीदी मुझे स्नेक्स पसंद नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।